हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज है जो हमें बैंग्स कट करने के तरीके बताते हैं, बट उनके जो तरीके होते हैं ना, स्टेप होते हैं जो उनके, उसे देखकर मेरा तो सिर घूम जाता है। और पर्सनली मुझे बैंग्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बैंग्स रखने से ना फेस का जो लुक होता है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आप सडन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगते हैं, साथ ही साथ आप मॉडर्न और क्लासी लगने लगते हैं। इस वजह से मैं हमेशा बैंग्स रखती हूँ, और इस वजह से मैंने अपना एक अपना पर्सनल स्टेप बनाया है जिससे मैं अपने पास और अपने बैंग्स को इजीली कट कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना ये इजी स्टेप शेयर किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को फ्रंट पे लेना है, और इससे भी पहले आपको क्या करना है, एक मिरर अपने सामने रखना है। साथ ही साथ आप चाहे तो अपना मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको खुद ही काटना है ना इस वजह से। तो अब क्या करेंगे, इतना सेक्शन हम लेंगे जितना हमें, मतलब हम उतना सेक्शन लेंगे बाल का जितना हमें थिक रखना है, अपने फ्रंट के बैंग्स को थिक रखना है उतना लेंगे। और ये जो स्टेप होता है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे आंखों के सामने बाल होता है, हमें दिखाई नहीं देता है कि हमें कितने बाल लेने हैं। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें अपने बालों को डिवाइड करने में कि कितना मुझे पार्ट लेना है बैंग्स कट करने में। तो आप भी थोड़ा टाइम लो और फिर सेलेक्ट कर लो। तो मैंने फाइनली इतने बाल जो है अपने सेलेक्ट कर लिए हैं, और इतने बालों के मैं बैंग्स काटूंगी, प्लस साइड में थोड़ा सा हल्का सा लेयर कट करूंगी बस। तो इतने बालों को सिक्योर करें, और पीछे के बालों को आप पोनी बना सकते हैं जिससे आपको डिस्टर्ब ना करें आपके ये बाल। अगला जो स्टेप होगा वो हम पोनी बना लें, उसके बाद में बताती हूँ आप लोगों को। तो अब क्या करेंगे, हम अपने बालों को ए शेप या फिर वी शेप, किसी भी शेप में आप बोल सकते हैं, उल्टा भी, तो ए शेप या वी शेप में किसी भी तरीके से आप अपने बालों को इस तरीके से डिवाइड कर लें, क्योंकि जो सामने का बाल है उसमें हम बैंग्स कट करेंगे, और जो मेरे साइड के बाल है उसमें से हल्का सा मैं लेयर कट करूँ जैसे मैंने बताया। आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अपने बालों को स्ट्रेट करना। स्ट्रेट करने से क्या होता है, और मैं जल गई, तो हर बार मैं जल जाती हूँ जब भी मैं अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ तो मैं जल जाती हूँ। तो ये सब छोड़ो, और आपको क्या करना है, अपने बाल को स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि स्ट्रेट करने से बालों की जो एक्चुअल लेंथ है ना वो निकल कर आती है। और मैं अपनी सीजर भी भूल गई, तो फाइनली मैं सीजर लेकर आ गई। तो आपको ये छोटी सी सीजर लेनी है, आपको हैवी सीजर नहीं लेनी है, क्योंकि आप हैवी सीजर अगर लेंगे तो आपको उसे होल्ड करते ही नहीं आएगा और बाल कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए छोटी सी सीजर लें जो कि बहुत शार्प हो, और इस तरीके की कोम ले सकते हैं आप। अब हम नीचे का एरिया थोड़ा थोड़ा कट करेंगे, इसे सेट करेंगे, मतलब इसको इक्वल करेंगे। तो इस तरीके से आप दिखाई नहीं दे रहा, बट आप कुछ अपना जो एरिया है ना, जो नीचे का पॉइंटेड एरिया है, उसे आप अच्छे से कट कर ले, तो ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं बाल। अगर आपको इसे लॉन्ग रखने हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, बट मुझे बैंग्स चाहिए इसलिए मुझे इसे बैंग्स कट करना है। और अब आपको क्या करना है, अपने आईब्रो से नीचे ही हमेशा अपने बैंग्स कट करने हैं, तो आईब्रो से नीचे से भी और थोड़ा सा नीचे आपको कट करना है, और हमेशा नीचे की तरफ से कट करें, ऊपर से बिल्कुल कट ना करें, क्योंकि अगर ऊपर से कट करेंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी। तो आपको अपने आईब्रो से भी नीचे थोड़ा सा कट करना है, क्योंकि जब आप इसे नॉर्मल छोड़ेंगे तो ये और छोटी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने आईब्रोज या फिर अपने आईज के पास ही अपने बैंग्स को कट करें। उसके बाद आपको इसे सेट कर लेना है, अगर छोटे बड़े हैं तो सेट कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको, मतलब पूरी तरीके से इकट्ठा ही आपको अपने बाल कट नहीं करने हैं, धीरे धीरे करके आपको इसकी लेंथ जो है वो कम करनी है। तो ये कट गई, और मैं इतने ही लेंथ रखूँगी अपने बालों की। और इसके बाद आपको जो प्रोफेशनल करते हैं ना, आपको अपनी सिजर ऊपर की ओर रखनी है और अपने जो एजेस है उनको कट करना है। इससे ये शार्प होती है और अच्छी लगती है, क्योंकि जो स्ट्रेट होते हैं ना वैसे बाल अच्छे नहीं लगते। अब हम क्या करेंगे, अपने जो साइड के बाल हैं ना उन्हें कट करेंगे, क्योंकि मेरे जो बाल है वो लेयर कट में है, और मैंने बहुत अभी अगस्त में ही अपने बाल कटवाए थे, और मेरे जो सामने के बाल है वो लेयर है, बट मुझे सामने के थोड़ा सा ये जो मैंने बैंग्स रखे हैं उसके साथ ही मुझे थोड़ा सा लेयर कट चाहिए। तो बहुत ही स्मॉल टाइप के लेयर में कट करूँगी, और आपको अपने सामने के बालों को भी स्ट्रेट कर लेना है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे एक साइड के बाल जो पतले हैं और एक साइड एकदम, तो ऐसा ही है मेरे हेयर, एक साइड के बाल कम है थोड़ा सा। तो सेम आपको भी इसकी जो लंबाई है उसे इक्वल कर लेनी है, और उसके बाद हम कट करेंगे अपने साइड के हेयर। तो ये हो गया, दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए, बट मेरा एक छोटा है बड़ा है, उसे धीरे धीरे करके आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे काटते हैं लेयर्स कटने के लिए, उस तरीके से काटेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सिजर को अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाकर कट करें, और धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा कट करके देखते रहें कि
कौन सी मतलब हेयर कम है ज़्यादा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि आपके जो हेयर है वो ऊपर से नीचे तक आराम से अच्छे से कट जाए और इक्वल दिखे। सेम आपको ऐसा दूसरे साइड भी करना है। और अगर आपसे इस तरीके इस साइड पर अगर नहीं बनता तो आप इसे हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। और सेम आपको अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर अपने बालों को कट करना है। ऐसे कट करेंगे आप तो आपके जो हेयर है वो लेयर्स में कट कर आएगा। और ये मेरे हेयर्स कट गए हैं। और धीरे धीरे करके आप इसे सेट करते रहें, चेक करते रहें। और इस तरीके से फिर से आपको अपने बालों को जो हम मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से एजेस को पॉइंटेड कर लें। अब मेन स्टेप क्या है, अपने बालों में आपको लगाना है पानी। पानी लगाने के बाद क्या होगा, पता चलता है कि हमने कौन सी गलती की है और हमारे बाल कहाँ से छोटे हैं कहाँ से बड़े हैं। उसके बाद आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मेरे बाल थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे इस वजह से मैं आप इसे सेट करूँगी। और सीजर से ही आप थोड़ा थोड़ा करके सेट करें अपने बालों को, क्योंकि हम खुद कर रहे हैं अपने बालों की कटिंग तो इतना तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। उसके बाद हमेशा आप अपने बालों को स्ट्रेट करके ही रखें। अगर आप बैंग्स रख रहे हैं तो आपका जो हेयर है आपके बैंग्स है और थोड़े से जो लेयर्स वो हमेशा स्ट्रेट रखनी चाहिए। तो ये हो गई मेरी कटिंग। और मैं ज़्यादा थिक नहीं रखती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों वाली फीलिंग आती है, और जैसी जैसी कोई नहीं वाली भी फीलिंग आती है। तो मैं हमेशा अपने बालों को मतलब बैंग्स को पतला ही रखती हूँ। तो ये हो गए मेरे हेयर कटिंग। और अलग अलग हेयर स्टाइल में कुछ ऐसे लगती है। और बहुत जल्दी मैं वीडियो शेयर करूँगी कि बैंग्स पर आप किस तरीके के हेयर स्टाइल बना सकते हैं। So I hope you guys like the video. So give it a thumbs up. Do subscribe to my channel and leave your feedback in the comment section. Bye bye.